नमस्कार ममता किचन रु आपण मानक स्वागत। आज आम चटपटा भेंडी भजा करवा बेसन देखिए खावा को बहुत टेस्टी भात सांगे भी खाईपर आुटी पराठा सांगे भी खाईपर साइड डिश भाव में भी आपड़ भात सांगे खाईपर ताल देखा चलत आम सब कौन कौन सामग्री नहीं चाहिए बेसन दिया भेंडी भजापी सब कौन कौन आम सामग्री नहीं प्रथम आम देखीद तो अध किलो भेंडी ए साइज रो बेसी बड़ नुए कि बेसी छोट नुए एमती मीडियम साइज रो मुताकु काटिकी रखी आठ धनिया पत्र भुर्सुंग पत्र फाड़े लेंबू आ कंचा लंका दु तीन टा एमती छोट छोट करी काटिकी रखी बेसन दुई चामच अर्ध किलो भेंडी रे आपण बड़ चामच दी चामच बेसन नहीं पारे यदि बेसी भेंडी देबे ताले बेसी की बेसन नेबे एठी हलदी टिके लंका गुंड माने हाफ चामच एमती हाफ लंका गुंड आ सोरिष चार चामच रे गोटे चामच आठ धनिया गोटे चामच आ जीरा अधा चामच आ स्वाद अनुसार लुण आम रिफाइन तेल करवा पियाज मु देबिनी कि रसुण भी देबिनी जदि आपन देबाकु चाहंती ताले आपन रसुण छोट छोट काटिकी भी देई परिबे। प्रथमे आमे कढ़ई बसई दैछंती आ दुई चामच तेल भी दे दी रिफाइन तेल से भेंडी गुड़ा प्रथम टी भल भाव भाजीदे जमी भेंडी नाल अंश कि रही धीरा अंश में सब भाजबे हाई करें गैस फ्लेम पूरा मीडियम रखी बेस देखिए पोड़ जाए स्टीम भी करें धीरे धीरे कि आम भल भाव भाजीदे ये जो भजा आम भाजवा से आप भेंडीटा को प्रथम एमती भाजीदे हेल्ले भेंडीटा गोटा गोटा रोज ना बेसन देलापर से नाल भी जा नसट भी हो तो प्रथम आगे नाल गुड़ा आम सब मारिदे ये आमर भेंडीटा जो भाजी नाल गुड़ा सब मरी जा जमा भी भेंडी जमा ना ना भेंडीटा भी बढ़िया झुरा झुरा भाया हो तो आम गोटे जगह काढ़ीदे पुणी तापर कढ़ई बस कढ़ई गरम हो जाए तो आम दि चामच जमी हम तेल देद छोट चमच रे चा चमच रे दुई तीन चमच तीन चमच तेल देदेव भेंडी देखिकी देते कहीं बेसन दिया हम तो से मैंने बेसन टा पूरा तेल टा पूरा पीज सुखा सुखा हो तो मैं तीन चमच दे तेल तो गरम हो जाए से आम गोटे शुखला लंका पकईदे मुझे एमती खाली गार्निश करने शुखला लंका पकई ना कि जरूरी नहीं कंचा लंका देदे आम सोरिष भी देदे सोरिषा टे भल कि फुटवाक देवा ना पिता लगे भजाटा टक्त खेल सोरिषा जमी फुट सोरिष हो जाए आम टे करी पत्ता भुर्सुंग पत्र पकईदे भुर्सुंग पत्र काटि काटिक पकड़े मुझे काटे से हलदी गुंड भी पकईदे तेल सांगे अध चमच रु कम हिंगु देदे हिंगुर बासना भेंडी रे बहुत बढ़िया आसो तापर आम से भेंडीटा को जो भाजिक रखी थे पकईदे भल भाव कर भाजवा भेंडी तो अधा अधी सीझी जाइए आम अल्प भाजवा पड़ से आम टेस्ट जाकि लुण मधेदे ये भेंडी ढांचा दरकार नहीं टे आए पांच मिनट है बेसन देवा से आम धनिया पाउडर आ जीरा पाउडर पकईदे भल भाव तक मिसेद जी आप राग खाइबे से लंका गुंड भी टेदे
ଭେଣ୍ଡି ଆମର ଏଇଠି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାଜିବା ପାଇଁ, ତ ଭେଣ୍ଡି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ବେସନ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ବେସନଟା ଯେମିତି ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଲାଗିଯିବ, ଖାଇବାକୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏଠି ଆମ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଇ ଭଜାଟା ପୁରା ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଭାଜିବେ, ନହେଲେ ବେସନଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜିକି ବେସନଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଲାଗିଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ବେସନଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା, ବେଶିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶେଇଦେବେ, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଟିକେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖଟା ଦରକାର ସେତିକି ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଡ଼ି ଦେବେ। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଲା ପରେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଭାଜିବେନି, ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ପିତା ହେଇଯିବ। ଖାଲି ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପିଡ଼ିକି ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ତାକୁ ମିଶେଇଦେବା। ତ ଆମର ଚଟପଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକିରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭେଣ୍ଡି ଭଜାଟି।